ऑपरेशन क्लीन के तहत चलाए जा रहे अभियान में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बदमाशों की शामत आ गई है। देर रात हुए दो एनकाउंटर में दो बदमाश पुलिस की गोली से जख्मी हो गए। पुलिस चेकिंग के दौरान दोनों बदमाशों को अलग अलग जगह से पकड़ा गया है। कमल नाम का ये पहला बदमाश अपने साथी के साथ बाइक में घूम रहा था। पुलिस ने जांच के लिए रोकने की कोशिश की, नहीं रुकने पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें पिछली सीट में बैठा कमल घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये थाना क्षेत्र बिसरख में पुलिस चेकिंग के दौरान जो संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी, उसी के दौरान जो दो बदमाश जो संदिग्ध थे उनके जैसे रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पे वहाँ से बच के निकलने की नीयत से फायरिंग की गई। इसी एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश कमल नाम का, जो कि मूल रूप से खुर्जा बुलंदशहर का रहने वाला है, वो घायल हुआ है और एक साथी उसका मौके से फरार हुआ, जिसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। वहीं दूसरे एनकाउंटर में भी पुलिस चेकिंग के दौरान दो बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। थाना क्षेत्र 58 में पुलिस और बदमाशों के बीच में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि संजय जो कि विजयनगर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई, जो एक्सचेंज ऑफ फायर में घायल हुआ है, जिसका एक साथी जो मौके से फरार हुआ है। जवाबी कार्रवाई में संजय नाम का बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी भी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और उनके साथी बदमाशों की तलाश कर रही है। नोएडा से अनिल चौधरी की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।